कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, जब पत्रिका में बुध और केतु की कंजंक्शन होती है, जब ये लोग साथ में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का जो है परिणाम देते हैं। डिफिकल्ट कंजंक्शन भी है, अनयूजुअल भी है, क्योंकि केतु और मरकरी का अकेले साथ में आना, क्योंकि बुध ज़्यादातर जो है किसी न किसी और ग्रह के साथ रहता ही है, सूर्य के साथ, लेकिन केतु और मरकरी का स्पेसिफिक जब कंजंक्शन होता है तो वो बहुत कम चांसेस ऐसे रहते हैं, लेकिन बहुत अनयूजुअल भी होता है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे आज। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशन लेनी हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको जीवन में, जो कतई मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी आपको हो, गोपाल कृष्ण की कृपा से, किसी चीज़ की एडवाइस लेना चाहते हो, नौकरी के बारे में, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, संतान पक्ष के बारे में, तो अवश्य आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के द्वारा भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो आसानी से, बड़े स्पिरिचुअल तरीके से, आनंद से, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं फीस के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए, उसका लेंथ के बारे में, इन्हीं नंबर्स पे या ईमेल के द्वारा। तो दोस्तों, केतु और जो बुध का जब कंजंक्शन होता है किसी की पत्रिका में, तो देखिए, केतु को लिया जाता है अनयूजुअल ग्रह के रूप में, जिसके बारे में कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, और बुध जो है वो बुद्धि के लिए लिया जाता है, इंटेलेक्ट के लिए लिया जाता है, समझदारी के लिए लिया जाता है। अब आप ये सोच लीजिए कि जब ये दोनों जने साथ में होते हैं तो ये कह सकते हैं कि आप अनयूजुअल जो है आदमी की थिंकिंग या थॉट प्रोसेस हो जाता है, उसका जो ज्ञान है वो अनयूजुअल हो जाता है। अब यहीं पे देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है कि पत्रिका में और चीज़ें देखते हुए कि ये कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, कौन से घर में बैठे हुए हैं, या इनका आगे भी क्या पैटर्न चल रहा है नवमाशा वगैरह में, देख के पता चल जाएगा कि ये अपने हायर ऑक्टेव पे काम कर रहा है कि लोअर ऑक्टेव पे काम कर रहा है। अब अनयूजुअल थिंकिंग आना बहुत सुंदर बात है, इससे आप नई चीज़ें कर सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स आपकी थिंकिंग हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत सुंदर हो सकती है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का भी कारक है। अब यहीं पे अगर ये जो अनयूजुअल केतु है जब बुध के साथ मिलेगा, जो हर प्रकार का इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है, जब ये खराब इफेक्ट दे रहे होंगे आपस में बैठ के, तो देखिए, कम्युनिकेशन का हर तरफ से बिगड़ जाना, या यूं कह लीजिए कि कभी कभार बिल्कुल मत बोलना, जहां बोलना है वहां पे नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोल जाएंगे, किसी के मुंह पे ही जो है हार्ड ट्रुथ बता देंगे, जिससे कि कई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अनयूजुअल जो केतु हैं और जब बुध का मिलन होता है, तो कई मामलों में एक बहुत सुपीरियर जीनियस और एक इंटेलिजेंस आदमी को प्रदान करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आदमी के अंदर, उस जातक के अंदर, कहने का अर्थ है कि बहुत सुपर नॉलेज हो सकती है, बड़ी ज़बरदस्त हर प्रकार की उनको समझ हो सकती है, क्योंकि केतु जब बुध के साथ बैठा है इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म से कोई ना कोई जो है मरकरी की ट्रेट आप लेके ही आए हैं, बुध की ट्रेट साथ में उसको लेके आए हैं। अब उस वो इस जन्म में किस तरीके से यूज़ होगी, किस तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है, वो अवश्य देखने का अर्थ रहता है, चाहे वो आपकी नॉलेज के लिए हो, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन में हो, किसी चीज़ के लिए भी हो। बोलने में भाई ऐसे हो सकते हैं कि सलाह देने वाले हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, बातों के मर्म को समझने वाले हैं। एक तो बुध जो है इंटेलिजेंस है,
केतु जो है हम लोगों को हर प्रकार की इंट्यूशन समझ देने की कोशिश करता है, तो जब ये एक सुंदर फोर्स से काम कर रही होगी तो जो भी जातक होगा आप समझ सकते हैं वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट और एक्स्ट्रा जीनियस हो सकता है। वो उसकी ट्रेड जो पिछले जन्म से चली आ रही है बुध की वो बढ़ सकती हैं। और बुध की देखिए ट्रेड क्या है, व्यापार में हर प्रकार का जो है आपको समझ देना, ज्ञान देना, उसको आगे बढ़ाने के तरीके देना। तो ये लोग जब अच्छे लेवल पे काम कर रहा होता है ये कंजंक्शन, तो ये कह सकते हैं बड़े ज़बरदस्त इंटेलिजेंट होते हैं। इन लोगों की सोचने समझने की शक्ति जो होती है इस ज़माने को लेके बहुत फॉरवर्ड हो सकती है, बहुत अलग तरीके की हो सकती है इन लोगों की, और जो बहुत फ़ायदेमंद भी रहती है। इसीलिए ये लोग ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वगैरह में बहुत सुंदर काम करते हैं, इलेक्ट्रिक्स में बहुत सुंदर काम करते हैं, हीलर्स होते हैं ये कह सकते हैं, हीलिंग का भी ये लोग काम करते हुए देखे जाते हैं, और या इस तरीके का इनके अंदर क्वालिटी आ ही जाती है। देखिए हर तरीके की केतु जो है देखिए डीप इंसाइट है, अंदर तक झांकने की उसकी शक्ति है, अपने आप को समझने की शक्ति है, बाहर दूसरे लोगों को समझने की शक्ति है। जो बुध है वो हर प्रकार की दक्षता है, नॉलेज से लेके अडैप्टेबिलिटी, हर माहौल में ढल जाना, ये चीज़ें हैं, हर चीज़ को उसके अनुसार समझना, ये बुध के कार्य रहते हैं। तो जब केतु और बुध आपस में मिलते हैं तो ये एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बहुत सुंदर जो है आपको दक्षता देते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक तरीके के लिए ये वरदान होता है जब केतु और बुध साथ में बैठे होते हैं, उनको बहुत डीप इंसाइट मिलती है। फिर देखिए केतु और जो बुध है ये एक बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी हो सकती है, नर्वस एनर्जी हो सकती है, डिसीजन ना ले पाना, समझ ना पाना चीज़ों को, ब्रेक इन एजुकेशन जो है कह सकते हैं चाइल्डहुड के समय में ही, या चाइल्डहुड के समय में ही बचपने से ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस पैदा हो जाना, जिसको अच्छे खासा समझ हो, समय से पहले जिसको कहते हैं परिपक्वता आ जाती है उनके अंदर, अपना भी समझते हैं दूसरे लोगों को भी समझाते हैं। लेकिन जब ये देखिए खराब लेवल पे काम कर रहा होता है तो हर प्रकार के कन्फ्यूजन्स, डिलेज, बुद्धि का सही तरीके से काम न करना, कई प्रकार की डिसीजेज भी दे सकता है, जो मेंटल प्रॉब्लम से लेके स्किन डिसीजेज हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो कई प्रकार का माइंड को बाधित भी कर सकता है, दिमाग को ये रोक भी सकता है जब ये खराब तरीके से काम कर रहा हो। लोगों की मदद करना, लोगों को ज्ञान देना, और देखिए बुद्धि जो बुध है वो बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक भी है, हर प्रकार की उसके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी है। अब जब केतु के साथ मिलता है तो वो इंटेलेक्चुअलिटी बहुत हाई लेवल की हो जाती है, इसीलिए मैंने कहा ज्योतिष के लोग जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वरदान साबित होता है, या बहुत ज़्यादा जो यूँ कह सकता हूँ जिनकी लिमिटेड सोच नहीं होती है, बहुत विस्तार पूर्वक सोचते हैं, जैसे कोई पोएट्स हो गए, कोई राइटर्स हो गए, जिनकी जिनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत फैल जाएगा, कहीं तक जाने की उनको आज़ादी मिल जाएगी, लिमिटेशंस नहीं होंगी उनकी बुद्धि में या उनकी सोच में, कोई ऐसा काम उनको ना करना पड़े जहाँ पे वो बंद के रह जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एनर्जी है ज्ञान को लेके, बुद्धि को लेके, तो बहुत ज़्यादा करता है, इसको फ़ायदा देता है। लेकिन हाँ, वही दूसरी तौर पे अगर हम नेगेटिविटी में आप इसको लेंगे, अगर ये एनर्जी जो है वो इतने भर की रह गई कि सिर्फ आप लोगों में मीन मेक निकाल रहे हैं, या लोगों के हमेशा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या गलत एक्टिविटीज़ की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि देखिए केतु और बुध की जब युक्ति होगी तो जैसे मैंने कहा है जीनियस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक नंबर के क्रुक्स भी, क्रिमिनल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आजकल के ज़माने में ये क्रिमिनल्स जो हैं ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, पेपर को फॉर्ज करना है, किसी तरीके की टेक्निक्स हैं
जिनको आजकल के आदमी को लोगों को जो है ठगा जाए, किसी तरीके से उनको कॉन किया जाए, धोखा दिया जाए, ये इस तरीके के लोग हो जाते हैं। हर तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ इन लोगों को बढ़ते हुए देखा जाता है। रॉन्ग डिसीजंस बहुत ले लेते हैं अपने जीवन में, अगर ये नर्वस एनर्जी के रूप में काम कर रही है केतु और मरकरी में, या डिसीजन लेते ही नहीं हैं अपने लव में, पैशन में, अपने रिलेशनशिप्स में भी। या तो बहुत समझदारी का ये परिचय देंगे, हर प्रकार का ज्ञान होगा, हर प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करेंगे, एक इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो इनके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास हर बात का सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन जो है लॉजिकल भी होगा, वो सॉल्यूशन जो है स्पिरिचुअली भी एक तरीके से इनलाइंड होगा, तो ये भी बहुत सुंदर बात है। और फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा डिटैच भी हो जाते हैं, क्योंकि मरकरी और केतु जब साथ में आते हैं, बुध और केतु, तो कई बार क्या होता है कि आदमी जो है वो कोई किसी की भी पत्रिका में हो, जातक या जाति का कहने का अर्थ है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अपने आप को समझने के लिए, बेटर करने के लिए जीवन में, या फिर रिलेशनशिप्स में रहे, उसकी उसके बीच में एक तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, तो कई प्रकार से वो रिलेशनशिप्स सफ़र कर जाती हैं। कई बार इन लोगों की कम्युनिकेशन वैसी नहीं होती है जो एक लव रिलेशनशिप में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है जब भी रिलेशनशिप्स होती हैं लाइफ पार्टनर के साथ या जिसके साथ भी आपका संबंध है, उस वो कहीं ना कहीं जो है वो लव है, अफेक्शन है, कुछ सुंदर कम्युनिकेशन चाहता है। पर जब बुध और केतु जो है अपने लोअर साइड में काम कर रहे होते हैं या अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो हो सकता है ये लोग ऐसे लोग हो जाते हैं फिर वो जो अपनी अपने व्यवहार की वजह से जो है अपने आप को अलग रख लेते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, तो इन लोगों की कई बार जो है रिलेशनशिप्स में समस्या आ जाती है। कई बार खुद के ही फैमिली मेंबर्स इन लोगों को चीट करते हुए देखे जाते हैं, बचपने में काफ़ी प्रॉब्लम होती देखी जाती है, जिसको कहते हैं विकास पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बुध है वो एक अवस्था दिखाता है जो बाल काल की है अवस्था, तो उस समय ये कह सकते हैं कि माइंड का बहुत ज़्यादा ना बढ़ना, किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी आ जाना, किसी प्रकार का शार्पनेस ना होना, ये भी देखा जाता है अगर ये खराब स्थिति में काम कर रहा है योग, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, या बहुत गलत बोलने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा बोलने वाले हो जाएंगे, मीन मेक निकालने वाले हो जाएंगे, या कभी कभार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, मौन की स्थिति भी हो जाएगी। कई ऐसे बच्चे जो नहीं बोलते हैं, जिन जो बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं, उनमें ये मरकरी और केतु की जो है वो कंजंक्शन होती है। देखिए यही बात निकल के आती है कि बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं अपने माइंड में, हर तरीके से ये एनर्जी अगर सुंदर तरीके से काम कर रही है, हर तरीके की नॉलेज होती है, आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इन लोगों को पता होता है, और एक तरीके से अपने जीवन में बड़ा ऊंचा मुकाम पाते हैं, बुद्धि को लेकर जाने जाते हैं कि भाई बहुत शार्प माइंड के हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनका बुद्धि में कोई सानी नहीं है। और या फिर देखिए अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है मरकरी और केतु का कंजंक्शन, तो कई प्रकार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देता है। वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं फिर वो जल्दी जल्दी सुलझती भी नहीं है, क्योंकि फिर ये माइंड से कनेक्टेड हो जाती हैं, बुद्धि से कनेक्टेड हो जाती हैं, कई प्रकार की बीमारियां, अनयूजुअल बीमारियां दे देती हैं जो पहचानी ना जाए, ऐसा ट्रेड दे देती हैं, ऐसी क्वालिटी दे देती हैं, ऐसी समझ दे देती हैं, ऐसा व्यवहार दे देती हैं जो जल्दी जल्दी लोगों को फिर समझ में नहीं आता है कि भाई ये किस प्रकार का जो व्यवहार है, कभी कुछ कभी कुछ इस तरीके का व्यवहार उन लोगों का हो जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट में रहते हैं हमेशा, किसी प्रकार के लिए पैशनेट नहीं रहेंगे अपने जीवन में, क्योंकि ये एनर्जी जब खराब लेवल पे जाके काम कर रही है, डिज़ायर नहीं रहते हैं कई बार कई चीज़ों को लेके,
उत्साह नहीं रहता है जब मरकरी और केतु साथ में हो जाते हैं, विल पावर की एक कमी महसूस होती है कई बार कि भाई ये काम क्यों करें, कैसे करें, उस कंफ्यूजन के स्टेट में भी रहते हैं, डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, डिसीजन गलत ले लेते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं जैसे मैंने कहा है, फिर हर प्रकार के उल्टे सीधे काम करने में इनकी रुचि हो जाती है जब खराब स्थिति में बन रही होती है। तो मरकरी और केतु है, इन लोगों का कंजंक्शन बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत अगर अच्छी जगह बैठा, हाँ जिस घर में बैठा होता है, जब ये बुध और केतु की कंजंक्शन किसी के कोई भी घर में हो रही होगी पत्री के, वहाँ वहाँ के बारे में बहुत सुंदर नॉलेज प्रदान करेगा। अगर सेकंड हाउस में हो रही है तो कह सकते हैं कि रुपए पैसे फाइनेंसिस के बारे में इनकी समझ ज़बरदस्त होती है कई मामलों में। तो कहने का अर्थ यही है कि देखिए बहुत सुंदर कंजंक्शन है, लेकिन अगर ये किसी तरीके से डिस्ट्रॉ हो रही है, खराब हो रही है राशि की वजह से, या बुध का क्या रोल है पत्रिका में, केतु का क्या रोल है, तो देखिए फिर बहुत ये वाली जो कंजंक्शन है, कई प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ऐसी एनर्जी जो नहीं संभाली जाए, कंफ्यूजिंग एनर्जी, कई प्रकार का डिटैचमेंट्स, कई प्रकार के डीलेज, ये सब प्रदान करता है। जैसे मैंने बताया ये जीनियस भी प्रोड्यूस करता है, और उसी तरीके से वो बच्चा भी प्रोड्यूस कर सकता है जो बहुत डल हो, जो बहुत डिटैच हो हर तरीके से, या बचपने से ही उनको बीमारी हो, या मंद बुद्धि जिनको कहा जाता है, वहाँ तक की भी ये कंडीशन चली जाती है। तो ये देखने योग्य होता है कि किस तरीके से आपकी पत्रिका में बुध और केतु ऑपरेट कर रहे हैं दोनों जने साथ में बैठ के। बहुत सुंदर एनर्जी होती है, बड़ा बुद्धिमता देते हैं, शार्पनेस देते हैं, एक डीप इंसाइट देते हैं हर चीज़ को समझने की। ये बड़े ग्रेटेस्ट हीलर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, या फिर आपको मैंने बताया है, या फिर इन्हीं सारी चीज़ों को लेते हुए कंफ्यूज रह सकते हैं, खुद बीमार हो सकते हैं, खुद ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनको एक डॉक्टर की आवश्यकता हो समय समय पे। और इन लोगों को विचित्र तरीके की कई बीमारियां भी हो जाती हैं अपने जीवन में, जो जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती हैं, कई प्रकार के ये समझ सकते हैं आपके साफ सफाई को लेके, डिसिप्लिन को लेके, परफेक्शन को लेके, बीमारी को लेके, कई प्रकार के फोबियाज भी ये लोग पाल लेते हैं, कई प्रकार की उन परेशानियों में भी उलझे रहते हैं जो चीज़ है नहीं उसमें लगे रहते हैं, कई बार अपने आप में डाउट करते हैं अपनी बुद्धि के बारे में, अपनी कम्युनिकेशन में मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, इसमें भी दुविधात्मक रहते हैं, तो कई मामलों में उनके लॉसेस हुआ करते हैं। तो ये कई मामलों में जो है बहुत ज़्यादा जो है खराब एनर्जी भी साबित हो सकती है पत्रिका में। तो ये मैंने आपको जो उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताने की कोशिश करी है। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा, जिनकी भी पत्रिका में ये वाला योग बनता है बुध और केतु का, उनको जो है बड़े स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप को लेना चाहिए, सही रास्ते पे रहना चाहिए, सही काम करने चाहिए, तब आपको ये जो एनर्जी है वो बहुत सुंदर परिणाम प्रदान करेगी, बहुत सुंदर आपको रिजल्ट प्रदान करेगी, हर प्रकार की नॉलेज देगी, डीप नॉलेज देगी, बाहर आप अपने आप को जो है रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लोगों के लिए भी मदद कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि कई प्रकार की ये ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ज्ञान इनके पास ज़बरदस्त होता है, एक और एक मिला के चार करने वाले ये लोग होते हैं सुंदर तरीके से, और वही गलत तरीके से भी होते हैं कि ये कहीं लड़ाई करवा दें, झगड़ा करवा दें, इस तरीके की भी इनकी बातें हो सकती हैं। तो देखिए स्पिरिचुअल रहिए, धर्म पे रहिए, इस जब बुध और केतु साथ में हो आपकी पत्रिका में, अगर किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे तो ये एनर्जी जो है आपको बहुत परेशान कर सकती है, बहुत प्रॉब्लमैटिक आपको लिए ये हो सकती है। गणेश जी की पूजा है, सरस्वती जी की पूजा है इस समय, दुर्गा जी की पूजा है इस कंजंक्शन में, तो बहुत फ़ायदा देगी आप लोगों को, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो इस वीडियो से लेके, अवश्य आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि मैं उसका उत्तर अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।